नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विवेक गुप्ता। और 1 मई हो गया आज 2024, सिर्फ 4 दिन बचे हैं नीट 2024 में, और काफ़ी हलचल बड़ी हुई है। और ख़ासकर मैं तो फिर से मैं कहूँगा कि पेरेंट्स की दुविधा, पेरेंट्स की कंसर्न का फ़ायदा उठा के लोग या फ्रॉड एजेंट जिसे कह लीजिए, वो बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं। और आज मैं बात करता हूँ आपके साथ जो इंडिया की मिनी कंट्री नेपाल है। आप भी हमें काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं। सो देखिए, पहली बात, वैसे एक वीडियो है मेरा, आप चैनल पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेपाल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 18 नवंबर 2021 से पहले तो नेपाल बिल्कुल इंडिया की तरह था। 4.5 साल, जब मैं 1 साल पढ़ाई करो, नेपाल की इंटर्नशिप इंडिया में अलाउड थी, पेपर 2 FMG का, जो अब धीरे धीरे नेक्स्ट बन जाएगा, और प्रैक्टिस करो। और नेपाल का पूरा जो फी स्ट्रक्चर है हॉस्टल मिला के, वो उस ज़माने में 70-75 लाख रुपए था। तो जिसको इंडिया में सीट नहीं मिल रही वो नेपाल चला जाता था। 18 नवंबर 2021 के बाद तो ये आप ले जाना ज़रूरी है कि जो भी नेपाल जाएगा उसका 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि अब आपको एक इंटर्नशिप वहाँ करनी है, एक इंटर्नशिप यहाँ करनी है, तो आपका टोटल जो बच्चे का ड्यूरेशन होगा वो 5.5 साल के बदले 6.5 साल हो जाएगा। ये पहला सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, और ये आप नोट कीजिए, क्योंकि चूँकि रूल को 3 साल हो गए ना, तो आप इसे पेरेंट जो नए नए पेरेंट हैं, मतलब जिनका बच्चा अब 12th में आया है, तो उनको एक कंसल्टेंट्स बताते ही नहीं है कि नेपाल जाके आपकी डबल इंटर्नशिप होगी। तो ये जो MBBS अब्रॉड का रूल था, ये 18 नवंबर 2021, इस डेट को याद कर लीजिए, 18 नवंबर 2021, और उसके हिसाब से ही आप अपने कंसल्टेंट्स या एजेंट से बात कीजिए। दूसरा, नेपाल जैसे इंडिया में उन कॉलेजों में NRI सीट देखते हैं ना, नेपाल में भी हर कॉलेज में NRI सीट है, और हम बन जाते हैं नेपाल के लिए NRI। और नेपाल के कॉलेज के लिए वी आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो फीस दे रहे हैं वो इधर 3 टाइम्स दे रहे हैं। तो एक फ्लैट फी जो नेपाल गवर्नमेंट ने फाइनल कर रखी है सब कॉलेजेस के लिए, खासकर जो प्राइवेट कॉलेज है नेपाल के, जो कि मैक्सिमम ही है, 2-3 को छोड़ के, जो कि नेपाली आर्मी का, और वो मैं आपको एग्जैक्ट नाम बताऊँ तो 2-3 कॉलेज हैं नेपाल में जो कि नेपाल के सरकारी हो गए, नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IOM काठमांडू, एक शायद BP को इराला समझ लीजिए, जिसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। उसके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे तरह से प्राइवेट मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, जिसका सबसे फेमस आप मणिपाल पोखरा को आप सुनते हो, राइट। ये मैं आपके लिए निकाल रहा था। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे मैंने कहा, IOM, BP को इराला, करनाली अकेडमी, पातन, नेपाली आर्मी और नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, 6 कॉलेज हैं। और इसके अलावा जो बाकी इन 6ों के में जो भी एडमिशन होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ नेपाल एंट्रेंस के हिसाब से होगा, और उसमें नीट के बेसिस पे आपको एडमिशन, इन 6 कॉलेज में आप नहीं जा सकते। तो फिर से सुन लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, BP कोइराला, करनाली अकेडमी, पातन, नेशनल अकेडमी और नेपाली आर्मी। तो कोई भी एजेंट अगर आपको इन 6 कॉलेजों का प्रॉमिस कर रहा है तो आपके साथ दिक्कत है। अब जाना चाहें तो आपको नेपाल के एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। नीट के बेसिस पर हम जा सकते हैं। जो बाकी 16 कॉलेज हैं, जिसमें 10 कॉलेज काठमांडू यूनिवर्सिटी को अफिलिएट करते हैं, जो फेमस मणिपाल CMS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, भरतपुर, काठमांडू स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, नेपाल मेडिकल कॉलेज, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, बीरत, नेपालगंज, लुम्बिनी, नोबल, देवदा। और फिर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं किस्ट, चितवन, गंडाकी, नेशनल यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज और जानकी। जैसा मैंने कहा, सभी में सिस्टम फ्लैट है, 33% NRI सीट। अब जो जहाँ 100 सीटें हैं टोटल, वहाँ 33, जहाँ 50 सीटें MBBS की वहाँ 17, जैसे कि देवदा और जानकी। गवर्नमेंट की तरफ से $75,000, जो कि आज के रेट में 62 लाख बन जाएगा, वो फिक्स्ड फीस है। और नेपाल में 40% पी फीस पहले साल जाती है, और फिर 30% जाती है 3 साल में। अब आ जाते हैं उनका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, ये 16 जो कॉलेज हो गए, इनको NRI बच्चे चाहिए। तो जैसा कि हमने हिंदुस्तान में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, या जहाँ पर भी इस समय NRI IQ कोटा सीट अवेलेबल है, तो वो उसको बेचना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, मणिपाल की डिमांड रहती है, तो मणिपाल को कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जितने भी बाकी कॉलेज हैं वो डिस्काउंट देते हैं, और वो डिस्काउंट बिल्कुल एक धंधे की तरह चलता है। तो मतलब कि जो हमारे जो नेपाल में लोग बैठे हैं, मैं आपको कह दूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब हम MBBS अब्रॉड का काम करते हैं, कि एज ए कंसल्टेंट इंडिया में हो सकता है कोई क्या, जो 150 कॉलेज को जानता है, तो
तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हम जैसा बंदा यहाँ बैठा है, वी आर इन टच विद समबडी जो उस देश में रहता है, जिसको हमारी भाषा में कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, जो नेपाल के कॉन्ट्रैक्टर हो गए, जबकि हर कंसल्टेंट आपको बोलेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, हम कभी नहीं बोलते। तो जो कॉन्ट्रैक्टर हो गए उनके ना रेट आते रहते हैं, जैसे कि अब मैंने कहा एग्जाम्पल लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज है जिसका टोटल काम है 33 सीटें बेचना, उसको 33 सीटें चाहिए। आज की मैं बात करूँ या कल परसों की बात करूँ तो लुम्बिनी वाला इस समय एज ऑफ नाउ $12,00,000 का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब आज हम कमिट कर दें तो वो कह रहा है कि मैं 50,00,000 में आपको दे दूंगा, क्योंकि उसको भी 33 सीटें भरनी है, क्या पता 2-4, 10 फुल भी हो चुकी हो। जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा वैसे वैसे रेट बढ़ता जाएगा, और लास्ट तक आते आते यही भी हो सकता है कि आपको पूरे पैसे देने पड़े। ठीक है, ये इंडिया में होता है, बिल्कुल डिमांड सप्लाई का गेम है। अब एक और एंगल, वो एंगल ये है जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, इस समय जितने भी कॉलेज हैं जहाँ पर आपको जेन्युइनली बुकिंग करनी है, देखिए बुकिंग कैसे होती है, और नेपाल के अंदर भी सरकार कहती है कि सीट आप काउंसलिंग से दीजिए, ठीक है, जो भी नीट का स्कोर है काठमांडू में काउंसलिंग होती है, बट NRI सीट के लिए साइड से काम चलता है और आपको मिल जाती है। ओके, अब और जो नेपाल के बच्चे उनके लिए काउंसलिंग हो रही है। अब आपको इतनी बड़ी सीट, तो मेरे को ना फ़ोन आते हैं, जैसे फिर कोई हमें भी पूछता है, तुम कहते हैं सर एज ऑफ टुडे, मतलब इस हफ्ते अगर आप कमिट करोगे तो ये है। तो तीन बातें, एक जिससे जिस कंसल्टेंट से आप टच में हो उसकी ज़ुबान की कितनी वैल्यू है। आज के डेट में मैंने बोला लुम्बिनी का पैकेज मैं आपको 50 पे दिलाऊंगा, ये हॉस्टल वगैरह के अलावा है, ये ट्यूशन फ़ी है, 62,00,000 पे 12,00,000 रुपये का डिस्काउंट। मैंने अभी आपको बता दिया कि 2 महीने बाद ये शायद 12 अगर सीट बची तो ये 50 से 54 हो जाएगा। वो बिल्कुल वो देखते हैं जो लुम्बिनी की मैनेजमेंट और उनका मेन कॉन्ट्रैक्टर है कि 33 में से हमारी 25 बुकिंग हुई है तो रेट बढ़ा दो, और मामला टाइट हो जाए। जो 2022 या 21 में गया था कोविड में तो भाई बहुत डिस्काउंट दिए थे, लास्ट तक डिस्काउंट दिए थे, तो बिल्कुल डिमांड सप्लाई का हिसाब किताब है, प्रोडक्ट है ये एक सीट। तो भाई आज आपसे कमिटमेंट हुई 50 की, लेकिन उनको डिमांड बहुत अच्छी आ गई, सारी सीटें भर गई 15 दिन के अंदर अगले एक महीने में, और सितंबर में उनके पास बच्चे का फ़ोन आता है या लोग आते हैं जो हम आपको पूरे 62 देने को तैयार हैं। तो कॉलेज वाला ये भी तो कह सकता है कि अपने 50 वापस पकड़ो और मैं 62 वाले को सीट दे रहा हूँ। यही फ़र्क आता है कि जो आप जिससे टच में हो उसके ज़ुबान की कितनी वैल्यू है, उसकी नेपाल में कितनी वैल्यू है, वो नेपाल में उसकी कितनी इज्जत है कि उसकी ज़ुबान की कितनी वैल्यू है। ये एक चीज़ है जो आपको जज करनी है जब भी आप अपने कंसल्टेंट हायर करें। दूसरा, मैं ना हंसता हूँ, लोग कहते हैं सर आप तो 5,00,000-3,00,000 रुपये मांग रहे हो, और एक और कंसल्टेंट है जो कह रहा है 20,000 रुपये में बुकिंग। अब मैं हंसता हूँ, मतलब 70,00,000 की कोई चीज़ है टोटल, उसमें 20,000 रुपये बुकिंग होती है, वो भी वो बुकिंग जिसमें आपकी वजह से मैं बाकी कस्टमर को छोड़ दूंगा। देखिए एक ना कार बुकिंग होती है, एक 10,00,000 की कार लॉन्च हो रही है तो आपसे कहा जाता है 30,000 में बुक करा लीजिए, और ये भी कहा जाता है कि रिफंडेबल। तो आप ये समझिए कि वो जो बुकिंग होती है ना वो एक हवा क्रिएट करने के लिए होती है मार्केट में। ठीक है, आपने अपनी कार की डिलीवरी नहीं मिली तो कोई दूसरा ले लेगा इमीडिएटली, लेकिन मेरे को फिक्स सीटें मेरे पास 33 हैं। मैं बाबा लुम्बिनी का नाम क्यों लूँ, अब नाम भी बदल देंगे, बीरत मेडिकल कॉलेज के पास भी 33 सीटें हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अब 22 सीटें आ गई हैं, कमिटमेंट मेरी हो गई है ऊपर से नीचे तक, अब 11 सीटों और बच्चे, मैंने रेट भी बढ़ा दिया। सिर्फ 20,000 रुपये लेके मैं अपने आप को फंसा के रखूँगा सितंबर तक, क्योंकि सीट तो आपको अक्टूबर नवंबर में मिलनी है, नेपाली काउंसलिंग इंडिया के बाद शुरू होती है, लास्ट ईयर तो बल्कि जनवरी में हुई थी। जस्ट इमेजिन नवंबर तक अक्टूबर तक सिर्फ 20,000 रुपये मैंने ले लिए 30 बच्चों से, और मैं लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज हूँ। 20,000 × 30 6,00,000 रुपये लेके मैं इतना बड़ा रिस्क लूँगा कि हाँ भाई मैं सबको अनाउंस कर दूँगा बुकिंग क्लोज, मेरे पास सारी सीटें भर गई। कुछ तो सोचा कीजिए, 20,000 रुपये में हो सकती है क्या बुकिंग? तो जिसको आप 20,000 रुपये दे रहे हो ना, आप चंदे में दे रहे हो, वो 20,000 से कुछ नहीं हुआ, उसने नेपाल पैसे नहीं पहुँचाया है। तो नेपाल पैसे पहुँच के बुकिंग एक्चुअली बुकिंग तब होगी जब आगे कम से कम 2.5-3 लाख रुपये हर कॉलेज का इंटर्न मांगते तो 5 हैं, फिर मैंने कहा फेस वैल्यू, लेकिन 5,00,000 के बदले हम 3,00,000 पर किसी को ला सकते हैं क्या? आप 20,000 रुपये ला सकते हो क्या? ढंग से सोचिए। तो ये दूसरी बात का ध्यान रखो। अब एक और मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए परसों आया टू बिकम अ क्लाइंट, कहते हैं सर मैं किसी से मिल के आया था नोएडा में, मैं नाम नहीं बोलूँगा आगे, उसने एम्स की सीट प्रॉमिस की है सर, और ये कहा है सब कुछ
काम होने के बाद 40 लाख रुपए। मैंने कहा अच्छा, और फिलहाल कुछ मांग रहा है? कहते हैं सर फिलहाल एक बड़ा नॉमिनल अमाउंट बोल रहे हैं कि 40,000 रुपये दे दीजिए बस, चाय पानी के लिए कि जो हमारा बेसिक खर्चा होता है। मैंने कहा ये 40,000 रुपये रिफंडेबल है? कहते हैं नहीं, ये नॉन रिफंडेबल है। अब आपने एम्स की सीट का प्रॉमिस किया, 40 लाख में सब कुछ दिलाऊंगा, सारा पैसा काम पैसा सारा पैसा काम होने के बाद, और ना फिर सर सिर्फ 40,000 रुपये अभी बेचारा मांग रहा है खर्चे पानी के लिए। अब यही 40,000 रुपये क्या हो गया? बेचारा हो गया। हम 50-75,000 रुपये में पूरी काउंसलिंग कर रहे हैं, NRI सीट को छोड़ के जो 1.5 लाख का पैकेज है, तो हम 50,000 फीस के मांग रहे हैं तो ज़्यादा लगता है कभी कभार। हम जैसे जो भी जर्मन काउंसलर हैं, उस बंदे ने एम्स की सीट दिखा के 40 लाख दिखा के 40,000 रुपये मांग लिए, तो 40,000 रुपये कहोगे नॉमिनल हो गए। और वो उसको दिया है, आपको पता है क्या सर, आपसे वैसे काउंसलिंग करा लेंगे और वो बंदा एम्स की सीट दिला देगा तो ठीक है जी, 40,000 रुपये तो कोई बात ही नहीं है। तो बस, तो जब कोई आपको करोड़ की दिखा के 20,000 मांगते हैं तो आपको 20,000 रुपये ना चिल्डर लगते हैं, और आप जैसे पेरेंट वो 20,000 रुपये दे आते हैं। लेकिन ये जो एजेंट बैठे हैं, जो उनकी टेलीकॉलिंग की फ़ौज बैठी है, ये 20-40,000 रुपये 100-150-200 जनों से इकट्ठे करके इनके अपने करोड़ रुपये बन जाते हैं। समझे बात को? तो ध्यान से सोचिए, एम्स की सीट, पहली बात तो मैंने बोला सरकारी सीट तो 1 रुपये की मिल नहीं सकती किसी को भी साइड के दरवाजे से। हर साल रूल बदल रहा है, 2023 में भयंकर रूल बदल गए। प्राइवेट में भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि जो भी MCC काउंसलिंग कर रहा है उसमें कोई चांस नहीं रह गया सीट मिलने का, अदर देन आप सीट ब्लॉकिंग करके अपना रिस्क लो। 2023 के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर्नाटका स्टेट्स कॉलेजेस में हुआ था, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। उसके अलावा तो पूरी की पूरी इंडिया में ट्रांसपेरेंट सीट दी गई थी। और फिर बिहार में जो कांड हुआ था वो तो बात अलग है, जो NRI सीट में उन्होंने किया था चौड़े में खुले में, जिसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो भाई 20,000-40,000 रुपये है, और मैं अगर कोई बंदा करा भी सकता होगा एम्स में मौलाना आजाद में, तो 40 लाख मांगेगा कि 4 करोड़ मांगेगा? मतलब दुनिया DY पाटिल के 2 करोड़ रुपये देने को तैयार बैठी है तो एम्स की सीट के 4 करोड़ नहीं दे देगी? मैं से रिवर्स पूछता हूँ, तो फिर लोगों को समझ में आती है बातें। लेकिन तब तक वो 40,000 रुपये दे के आ चुके होते हैं कि चंदे में। तो जिसको भी आप नेपाल के 10-20-25,000 रुपये दे रहे हो ना, आप चंदे में दे रहे हो। वो आपको कोई रसीद भी देगा तो वो भी चंदे की रसीद है, अपने हाथ से बना के प्रिंट आउट लेके दे रहा है। असली बुकिंग 2.5-3 लाख से कम में हो ही नहीं सकती है, समझे? और वो मैंने फिर से बोला, वो भी कोई पर्ची नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ जिससे आप बात कर रहे हो, जिसके ऑफिस में आप जा रहे हो, उसकी क्या वैल्यू है। और वो जैजी ऑफिस में मत जाइए, किराए में ना 70,000 रुपये महीने में बहुत शानदार ऑफिस मिल जाते हैं। ये लोग 6 महीने काम करते हैं सीज़न में और फिर ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं। उस इंसान से संपर्क में रहिए जिसमें हिम्मत है आपको फेस करने की, जो कि स्टेबल है इस काम में 10 साल से, जो कि स्टेबल है इस प्रोफेशन में, जिसका ऑफिस 10 साल से है। शायद यूट्यूब चैनल होना भी एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है, क्योंकि अक्सर जो फ्रॉडी होते हैं वो कभी भी सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं होंगे, वो टेलीकॉलिंग करते हैं, डेटाबेस पे SMS भेजते हैं, इस साल कमाया इस ऑफिस से, अगले साल ऑफिस चेंज, शहर चेंज, भाग गए। और मैंने कहा उन्हें भागने की जरूरत भी नहीं, अगर आप 20,000-40,000 रुपये को चंदा देने को तैयार हो। तो लास्ट ईयर ऐसा बहुत लोगों ने नेपाल में चंदा दिया था, फिर मेरे पास फोन आए थे लास्ट में कि सर वो तो सीट मिली नहीं। मैंने कहा 20,000 रुपये में सीट बुक होती है क्या? तो मतलब कि लुम्बिनी कॉलेज, बीरत मेडिकल कॉलेज हैं, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, 133 सीटें देनी है, आपने 20,000 रुपये दे दिए, 6 लाख में हुई बुकिंग, और वो आपका वेट करेगा नवंबर तक और सारे कस्टमर को मना कर देगा। और आपने तो बैकअप ही लिया है ना, आप तो इंडिया की काउंसलिंग ट्राई कर रहे थे। मगर सबको सब पता है ना, जब आप 2.5-3 लाख रुपये दोगे, 5 लाख रुपये दोगे, उसको मतलब होता है बुकिंग, समझे? 20,000 रुपये तो आपने जिस भी को भी दिए, आपने चंदा दे दिया। फिर मैं फ़ोन आया लास्ट में काम होने से पहले, कुछ लोगों को मैंने समझाया जो हमसे बोले थे ना फ़ोन काउंसलिंग वन टाइम, चलो सर अब कोई बात नहीं, 20,000 की बात है। मैं ठीक है सर, बस यही है, आप जैसे 300 लोग 400 लोग एक बंदे को 20,000 रुपये दे देते हैं, उसके बन जाते हैं 50-60 लाख रुपए। तो इस चीज़ को समझिए बिल्कुल, नेपाल 2024 की बुकिंग स्टार्ट है, और जैसे मैंने कहा डे टू डे का रेट होता है। 2 कॉलेज हैं जो बिल्कुल 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं देते, मणिपाल और CMS भरतपुर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस बोलते हैं। उसके अलावा जो 14 कॉलेज मैंने आपको बताया अभी, वो सब के सब कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। वो डिस्काउंट जैसे जैसे समय बढ़ेगा कम होता जाएगा, उससे ज़्यादा बुकिंग बिल्कुल होगी, लेकिन वही मैंने बोला जेन्युइन बुकिंग वही है जब उतने पैसे गए हैं। तो आप किसी को 20,000 रुपये देके बुकिंग कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमसे संपर्क करना चाहें स्पेशली फॉर नेपाल, नंबर सेम है,
9643362320। हमारे रूल लॉजिक बिल्कुल सेम है जो उसके थे कि 2500 रुपये फ़ोन पे बात करने के, 5000 रुपये मिलने के, और अब्रॉड में हमारा स्टैंडर्ड काउंसलिंग फ़ीस रहती है क्योंकि हम आपके लिए सारा कोऑर्डिनेशन करना है। स्पेशली हम नेपाल की बात करें क्योंकि नेपाल में सीट दिलाना, और मैंने कहा ना कि वैल्यू है शब्द की, कि अगर हम आपको कमिट कर रहे हैं कॉलेज आपको इस पैकेज में देगा तो देगा, तो काइंड ऑफ ये मैनेजमेंट NRI सीट बन जाती है। तो नेपाल में आपकी हेल्प करने के लिए हमारा जो चार्जेस रहता है, वैसे तो इंडिया में तो 1.5 लाख है, बट नेपाल में चूँकि मैंने कहा ना कि ये कमिटमेंट 4.5-5 साल की भी रहती है, बच्चे को दिक्कत हो जाए, बच्चे को वहाँ पर परेशानी हो जाए, तो उसमें भी हमें आपको हेल्प करनी होती है। प्लस ये कमिटमेंट है शब्दों की कि हमने अगर आपका साइन करवाया है फिलहाल 52 लाख में, तो आपका 52 लाख में ही काम होगा। तो इस फिर भी सबके बावजूद 1.5 लाख से पूरा आधा 75,000 रुपये हमारा नेपाल का सर्विस चार्ज रहता है। तो हमसे के थ्रू बुकिंग कराना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। नंबर जानते ही आप, 9643362320। ओके, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।